नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने देश में कोरोना को देखते हुए 3 हफ्ते का लॉकडाउन घोषित किया है। गौरतलब है कि कोरोना से निपटने के लिए दुनिया भर में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, कोरोना से निपटने के लिए यूएन प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने सभी देशों से अपील की है कि वे अपने आपसी मामले भुलाकर इस समय एक दूसरे की मदद करें। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर आज देश भर के प्रिंट मीडिया प्रमुखों के साथ कोरोना को लेकर बातचीत की। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, एक ओर जहां यूपी में कोरोना के चलते लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में रामलला को उनके नए अस्थायी मंदिर में शिफ्ट करने के लिए पूजा पाठ चालू है। आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही 15 वैदिक विद्वान द्वारा रामलला के गर्भगृह में पूजा अनुष्ठान शुरू किया गया, जो देर रात 11 बजे तक चलेगा। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 137 के लॉज ब्लॉसम सोसाइटी में एक और कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने युवक को क्वारंटीन में भेज दिया गया है और पूरी सोसाइटी को 26 मार्च तक सील कर दिया है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी माइक रेयान ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि शहरों और देशों को सिर्फ लॉकडाउन करके ही कोरोना से बचाने वाला उपाय नाकाफी है। उनके अनुसार सही और कड़े कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना एक ब्रेक के बाद ज्यादा प्रभावी रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, गुजरात में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गुजरात में 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद गुजरात में 33 मामले हो गए हैं। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार राज्य में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 106 हो गई है। गौरतलब है कि अभी तक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बीच आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 का परीक्षण और उपचार जल्द ही सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत भी कवर किया जा सकता है। गौरतलब है कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला पर लगाए गए पीएसए को हटाकर उन्हें रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद आज वे 8 महीने बाद अपने परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ लंच किया और अपने माता पिता के साथ अपनी एक फोटो ट्विटर के जरिए शेयर की। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को जमीन के दस्तावेज मामले में बड़ी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर ईओडब्ल्यू को इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिसके चलते इस केस को क्लोज कर दिया गया है। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, बिहार में कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन के बाद जमाखोरी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, जहां इसके तहत पटना में जमाखोरों पर कार्रवाई करने के लिए कुल 12 टीमें बनाई गई है, जो दुकानों पर जाकर तलाशी करेगी ताकि लोगों को उचित कीमत पर सामान मिल सके। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, कोरोना के मद्देनजर अब हिमाचल प्रदेश को भी पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, दिल्ली में आज अचानक मौसम ने करवट ली। इस दौरान शाम 4 बजे के लगभग तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी हुई। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, कोरोना के असर से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। इसके साथ ही डिलेड ब्याज दर को भी 12% से घटाकर 9% कर दिया है। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, कोरोना को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक्टिव यूजर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, एक रिसर्च के मुताबिक अपना भोजन ही तय करता है कि आपका शरीर बीमारियों से पार पाने में कितना सक्षम है। इसलिए आपका खाना न केवल पौष्टिक होना चाहिए, बल्कि खाना समय पर भी खाना चाहिए।
और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की अगली फिल्म ईद पर रिलीज होने वाली है, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम राधे है, जिसमें सलमान खान के साथ दिशा पटानी भी नजर आएगी। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, बिग बॉस 13 की चर्चित जोड़ी सिद्धार्थ और शहनाज का पहला गाना भुला दूंगा रिलीज हो गया है, जहां इस गाने में बिग बॉस की इस चहेती जोड़ी की सीजनिंग की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।